हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी सेफ और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत दिन से ड्राइंग नहीं की है, तो आप लोग मिस कर रहे हो ना अपने ड्राइंग को। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे ड्राइंग विद पेस्टल कलर। तो शुरू करते हैं। पेस्टल कलर ड्राइंग बनाने के लिए हमें चाहिए A4 साइज की व्हाइट पेस्टल कलर शीट एंड ऑयल पेस्टल कलर्स। तो मैंने सबसे पहले शीट को कार्डबोर्ड के ऊपर टेप से पेस्ट कर लिया। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर पे इक्वल साइज की टेप पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर से शीट के ऊपर हाफ से थोड़े ज्यादा पोर्शन में एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, जहां तक ये हमने लाइन बनाई है, इस पूरे पोर्शन में हम रेड कलर से कलर करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा रेड कलर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम उसे अपनी फिंगर से अच्छे से रब कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमें अपनी फिंगर से इस कलर को रब करना है। अगर फिंगर से नहीं करना तो आप टिश्यू या कॉटन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑरेंज कलर लेंगे और देखिए, जहां से हमारा रेड कलर खत्म हुआ है वहां से हम अपना ऑरेंज कलर करना स्टार्ट कर देंगे, सेम उसी प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर कंप्लीट हो गया। तो सेम हमें ऑरेंज कलर को भी अपनी फिंगर से अच्छे से रब करना है। तो ऑरेंज कलर को करने के बाद अब हमें येलो कलर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन में हम येलो कलर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा येलो कलर, ये हमारा येलो कलर है। इसको करने के बाद हमारे पास एक दूसरी शेड का भी येलो कलर, लाइट शेड में, तो उस वाले कलर को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे इस तरह से। दोनों कलर्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने येलो कलर को भी कंप्लीट करके रब कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हमें ब्लैक कलर लेना है और ब्लैक कलर से हम यहाँ पे देखिए, जो नीचे हमने ब्लैंक व्हाइट कलर छोड़ा है, मतलब व्हाइट कलर की शीट छोड़ी है, इसमें कोई कलर नहीं किया, वहां पर हमें ब्लैक कलर से माउंटेन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो देखिए, जहां तक हमने माउंटेन ड्रॉ करे हैं वहां तक हमें ब्लैक कलर से अच्छे से कलर करना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें वही सेम प्रोसेस करना है, कलर करने के बाद हमें अपनी फिंगर्स से अच्छे से रब करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ब्लैक कलर भी अच्छे से फिंगर से रब कर लिया है। उसके बाद हम ब्लैक कलर से ही यहाँ पे सन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ब्लैक कलर से सन बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक दो पक्षी बनाएंगे, इसको करने के बाद हम व्हाइट कलर लेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर से हम इसकी शेडो बनाएंगे। ये कलर करने के बाद यहाँ पे भी हम माउंटेन्स पे भी इसकी शेडो बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम इसको अच्छे से फिंगर से रब कर देंगे। हमारे ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो हमने देखी साइड में कॉर्नर्स में टेप लगाई है, उसको अब हम धीरे धीरे करके हटाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हम चारों कॉर्नर्स की टेप को हटा देंगे।
तो हमारी ड्राइंग बनके तैयार हो चुकी है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपने आज की ड्राइंग क्लास को एंजॉय किया होगा, तो आप भी इसको अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए गुड बाय।